In this lecture, we are going to discuss Stuart Hall and his theories and ideas. Stuart Henry Hall was born in 1932 and died in 2014. इनका बर्थ जमैका में हुआ, इसीलिए ये जमैकन बॉर्न ब्रिटिश राइटर रहे. राइटर होने के साथ साथ ये मार्क्सिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट, कल्चरल थियोरिस्ट एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट रहे. कल्चरल थियरिस्ट, कल्चरल स्टडीज़ में हमें पता है कि हम मार्क्सिज्म के बारे में भी पढ़ते हैं, सोशियोलॉजी के बारे में भी पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली मार्क्सिस्ट सोशियोलॉजिस्ट होने के कारण इनका कल्चरल स्टडीज़ के ऊपर एक खास इन्फ्लुएंस रहा. वन ऑफ द फाउंडिंग फिगर्स ऑफ ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज़ और द बर्मिंघम स्कूल ऑफ कल्चरल स्टडीज़. ये ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज़ के, ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज़ का दूसरा नाम है बर्मिंघम स्कूल ऑफ कल्चरल स्टडीज़, जिसके बारे में हम अपने फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन टू कल्चरल स्टडीज़ में रीड कर चुके हैं. तो बर्मिंघम स्कूल ऑफ कल्चरल स्टडीज़ या ब्रिटिश कल्चरल स्टडीज़ के फाउंडिंग फिगर्स में से एक रहे. तो फाउंडिंग फिगर्स में से एक कौन थे? स्टुअर्ट हॉल थे. बाकी दो थे रिचर्ड होगार्ट एंड रेमंड विलियम्स. स्टुअर्ट हॉल का कल्चरल स्टडीज़ के ऊपर काफ़ी गहरा प्रभाव रहा. इन्होंने कुछ ऐसे टर्म्स को उत्पन्न किया या बनाया जिनका कि कल्चरल स्टडीज़ के क्षेत्र में लगातार प्रयोग होता रहा है. हॉल वाज द फाउंडर ऑफ न्यू लेफ्ट रिव्यू. ये न्यू लेफ्ट रिव्यू के फाउंडर रहे. न्यू लेफ्ट रिव्यू एक जर्नल का नाम है. हॉल वाज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन द ब्लैक आर्ट मूवमेंट. ये स्टुअर्ट हॉल ब्लैक आर्ट मूवमेंट में भी इन्वॉल्व रहे, यानी ब्लैक आर्ट मूवमेंट में भी इन्होंने अपना योगदान दिया. अब यह ब्लैक आर्ट मूवमेंट है क्या? ये एक अफ्रीकन अमेरिकन आर्ट मूवमेंट है. मतलब ये आर्ट से रिलेटेड एक आंदोलन है. और कहाँ पर चलाया गया है? ये ब्लैक कंट्रीज़ में चलाया गया, ब्लैक लोगों के द्वारा चलाया गया. तो ये एक अफ्रीकन अमेरिकन लेड आर्ट मूवमेंट है. ये मूवमेंट 1960s और 1970s के दौरान हुआ. और इस मूवमेंट में एक्टिविज़म और आर्ट के माध्यम से नई इंस्टीट्यूशंस को बनाया गया, नई सांस्कृतिक इंस्टीट्यूशंस को या कल्चरल इंस्टीट्यूशन को बनाया गया. और ये इंस्टीट्यूशंस एक ऐसे मैसेज को कन्वे करती थी जो कि ब्लैक प्राइड को शो करता था. अब ब्लैक प्राइड क्या है? ब्लैक प्राइड मतलब ब्लैक लोगों का गर्व, यानी कि ब्लैक संस्कृति का गर्व. अब जो अफ्रीकन, खासकर हम कहेंगे जो अफ्रीकन विरासत थी, संस्कृति थी, अफ्रीकन कल्चर थी, उसको बताते हुए, उसका वर्णन करते हुए जो एक पॉजिटिविज़म और एक प्राइड फील किया गया, उसे ही हम ब्लैक प्राइड के नाम से जानते हैं. और इस ब्लैक प्राइड को बैम के द्वारा शो किया गया था. तो जो ब्लैक आर्ट मूवमेंट था वो ब्लैक कल्चर के फेवर में था. तो और इस ब्लैक आर्ट मूवमेंट में स्टुअर्ट हॉल का काफ़ी योगदान रहा. स्टुअर्ट हॉल ने सेंटर फॉर कॉन्टेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़ एट बर्मिंघम यूनिवर्सिटी को 1964 में होगार्ट के इनविटेशन पर ज्वाइन किया था. और फिर 1968 में ये यहाँ के एक्टिंग डायरेक्टर बन गए. 1972 में इसके डायरेक्टर बन गए. और 1979 तक ये यहाँ के डायरेक्टर रहे. कहाँ के? सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़ एट बर्मिंघम यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में हमने यहाँ अभी रीड किया था. बर्मिंघम स्कूल ऑफ कल्चरल स्टडीज़ में, बर्मिंघम स्कूल ऑफ कल्चरल स्टडीज़ के अंदर क्या था? सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़ था, जहाँ के ये डायरेक्टर बन गए. हॉल कंट्रीब्यूटेड ए लॉट इन एक्सपेंडिंग द स्कोप ऑफ कल्चरल स्टडीज़. कल्चरल स्टडीज़ के स्कोप को, मतलब कल्चरल स्टडी एक नया विषय था, और इसके स्कोप को बढ़ाने में हॉल ने अपना काफ़ी योगदान दिया. और हॉल ने जो योगदान दिया वो रेस और जेंडर जैसे विषयों से रिलेट करता था. मतलब स्टुअर्ट हॉल ने कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़ के अंदर कल्चरल स्टडीज़ के स्कोप को बढ़ाने के लिए जो राइटिंग्स लिखी या जो लेक्चर्स दिए वो थे रेस और जेंडर के विषयों पर आधारित. ही इनकॉर्पोरेटेड न्यू आइडियाज़ इन कल्चरल स्टडीज़. उन्होंने कल्चरल स्टडीज़ के अंदर नए विचारों को इंक्लूड किया. और ये जो नए विचार थे ये फ्रेंच थियोरिस्ट राइटर्स जैसे कि मिशेल फूको आदि से लिए गए थे. हॉल ने इस सेंटर फॉर कंटेम्प्रेरी कल्चरल स्टडीज़ एट बर्मिंघम यूनिवर्सिटी को 1979 में लेफ्ट कर दिया, ताकि वो एक ओपन यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी के प्रोफेसर बन सके. न्यूज़पेपर, ब्रिटिश न्यूज़पेपर द ऑब्जर्वर ने उन्हें कंट्री के लीडिंग कल्चरल थियोरिस्ट में से एक माना है. हॉल ने रिसेप्शन थियोरी को भी एडवोकेट किया है. अब ये रिसेप्शन थियोरी क्या है? रिसेप्शन थियोरी रीडर रिस्पॉन्स लिटरेरी थियोरी का ही एक रूप है.
मतलब उसी की तरह से है, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी की तरह से। रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में या रिसेप्शन थ्योरी में क्या होता है, जब राइटर एक वर्क लिख देता है, एक टेक्स्ट लिख देता है, तो राइटर जो रीडर्स को बताना चाहता है, यानी कि राइटर का जो इंटेंडेड मीनिंग होता है, ज़रूरी नहीं है कि रीडर उस इंटेंडेड मीनिंग को ग्रहण करें, बल्कि हर रीडर अपनी समझ के अकॉर्डिंग या अपने कल्चरल बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग एक अलग मीनिंग को क्रिएट कर लेता है, जो राइटर से बिल्कुल अलग ना होकर कुछ अलग हो सकता है। तो इसी थ्योरी को रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी या रिसेप्शन थ्योरी कहा गया है। दिस मीन्स दैट एन ऑडियंस डज नॉट पैसिवली एक्सेप्ट ए टेक्स्ट। रिसेप्शन थ्योरी का अर्थ है, या रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी का अर्थ है, कि जो ऑडियंस है या जो रीडर्स हैं, वो पैसिवली, मतलब बिना किसी अपने एडिशन के, बिना किसी अपने ओपिनियन के, किसी टेक्स्ट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, इंटरप्रेट्स द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट बेस्ड ऑन हर और हिज इंडिविजुअल कल्चरल बैकग्राउंड एंड लाइफ एक्सपीरियंसेस। हर रीडर, हर ऑडियंस किसी भी टेक्स्ट को, टेक्स्ट के अंदर अपना मीनिंग इंटरप्रेट कर लेते हैं, अपना मीनिंग देख लेते हैं, मतलब अपने अकॉर्डिंग मीनिंग बना लेते हैं। और ये मीनिंग अपने अकॉर्डिंग कैसे बनाते हैं, उनके कल्चरल बैकग्राउंड या फिर लाइफ के अनुभवों के आधार पर। ये जो टेक्स्ट है यहाँ पर, ये एक बुक भी हो सकती है जिसको पढ़कर रीडर अपना मीनिंग बनाते हैं, एक मूवी हो सकती है, या फिर कोई और क्रिएटिव वर्क हो सकता है जिसमें कि राइटर या मेकर या फिर जो प्रेजेंटर है वो एक मीनिंग बताना चाहता है, लेकिन जो रीडर्स हैं या ऑडियंस है वो अपने अकॉर्डिंग ही उसको ग्रहण कर रही है। एंड ऑडियंस में भी वियर, यहाँ पर ऑडियंस वियर भी हो सकती है, लिसनर भी हो सकती है और रीडर भी हो सकता है। हैंस इट इज़ अंडरस्टूड दैट द मीनिंग ऑफ ए टेक्स्ट इज़ नॉट इनहेरेंट विद इन द टेक्स्ट इट्सेल्फ। इसीलिए कहा गया है कि एक टेक्स्ट का जो मीनिंग है, जो हम एक टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, चाहे वो एक पैराग्राफ है, एक बुक है, या एक स्टोरी है, ठीक है, या कोई आर्टिकल है, जब हम वो पढ़ रहे हैं तो इस उसका जो मीनिंग है वो उस टेक्स्ट के अंदर नहीं है, ये माना गया है, बल्कि कहाँ है, बट इज़ क्रिएटेड विद इन द रिलेशनशिप बिटवीन द टेक्स्ट एंड द रीडर। बल्कि कि जो रीडर है वो टेक्स्ट के साथ अपना रिलेशन क्रिएट करके मीनिंग क्रिएट करता है। मतलब टेक्स्ट के साथ रिलेशन कैसे क्रिएट करता है, वो टेक्स्ट के साथ रिलेशन क्रिएट करता है अपने कल्चरल बैकग्राउंड के आधार पर। मतलब कोई चीज़ जो वर्णित की गई है एक टेक्स्ट के अंदर, वो एक रीडर को अच्छी लग सकती है, वहीं दूसरे रीडर को वो शेमफुल या एग्रेसिव लग सकती है, बिकॉज ऑफ हिज ओन लाइफ एक्सपीरियंसेस और बिकॉज ऑफ हिज कल्चरल बैकग्राउंड। जिस तरह से हमने एक एग्जांपल लिया था लास्ट लेक्चर में, कि जो आईज कॉन्टैक्ट है अमेरिकन कल्चर के अंदर, वो क्या माना जाता है, वो माना जाता है कि जो लिसनर है वो अच्छे से सुन रहा है, बिल्कुल ध्यान से सुन रहा है और ग्रैस्प कर रहा है मीनिंग को। मतलब कि जो लिसनर है, अगर वो स्पीकर से या अथॉरिटी से, ठीक है, आई कॉन्टैक्ट शो कर रहा है, आई कॉन्टैक्ट कर रहा है, तो वो एक अच्छी चीज़ मानी गई है अमेरिकन कल्चर में। वहीं कुछ दूसरी कल्चर्स के अंदर जो आई कॉन्टैक्ट है उसको अच्छा साइन नहीं माना गया है। तो हर चीज़ इसको जब नॉवेल्स के अंदर या किसी आर्टिकल के अंदर या किसी प्रोग्राम के अंदर शो किया जाएगा, तो अलग अलग कल्चर्स के लोग इसको अलग अलग तरह से इंटरप्रेट करेंगे। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, इसी तरह से टेक्स्ट की दूसरी चीज़ों को इंटरप्रेट किया जा सकता है। तो ये है रिसेप्शन थियोरी। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ईच रीडर क्रिएट हिज ओन मीनिंग फ्रॉम अ लिटरेरी टेक्स्ट। और इस थियरी के अकॉर्डिंग प्रत्येक रीडर हर एक लिटरेरी टेक्स्ट से अपना ही मीनिंग बना लेता है, मतलब अपनी ही समझ के अकॉर्डिंग उसको समझ लेता है। रिसेप्शन थियरी इज ऑल्सो कॉल्ड ऑडियंस रिसेप्शन इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अभी अगर हम टेक्स्ट की बात करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर क्या है, हम इसे रिसेप्शन थ्योरी के नाम से ही समझ सकते हैं। लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन यानी कि बातचीत, संवाद या फिर कोई जो ड्रामा है उसको देख रहे हैं, प्रेजेंट किया जा रहा है वहाँ पर, तो उसके संदर्भ में अगर रिसेप्शन थ्योरी को समझा जाता है तो इसे ऑडियंस रिसेप्शन भी कहा जाता है, ठीक है। रिसेप्शन थ्योरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्क्स ऑफ हैंस रॉबर्ट जॉस इन द लेट 1960s। इसे हैंस रॉबर्ट जॉस के वर्क्स के द्वारा ओरिजिनेट 1960s में किया गया था। रिसेप्शन थ्योरी को हिस्टोरियोग्राफी में भी, हिस्टोरियोग्राफिक स्टडी में भी प्रयोग किया जाता है। रिसेप्शन थ्योरी हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू द स्पेक्टेटर ऑफ परफॉर्मेटिव इवेंट्स। रिसेप्शन थ्योरी को परफॉर्मेटिव इवेंट्स जैसे कि किसी ड्रामा या किसी स्टेज शो के अंदर भी विस्तारित कर दिया गया है स्पेक्टेटर्स के लिए। वहाँ पर भी स्पेक्टेटर्स क्या है, किसी भी ड्रामा को देखकर उसको अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंग
अच्छा या बुरा समझते हैं या फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं। जैसे कि अगर कोई जो ड्रामा है वो ऑडियंस का एक ग्रुप, पीपल का एक ग्रुप बैठकर उसको देख रहा है, तो वहीं कुछ लोग हैं जो कि ड्रामा के इवेंट्स को पॉजिटिवली देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ पॉजिटिव है। जैसे मान लो कि वहाँ पर फीमेल एजुकेशन को दिखाया जा रहा है उस ड्रामा के अंदर, या फिर उस स्टेज शो के अंदर फीमेल एजुकेशन को दिखाया जा रहा है, या फीमेल वर्किंग को दिखाया जा रहा है कि जो फीमेल है उनका बाहर जाकर वर्क करना ठीक है। तो वहाँ पर जो ऑडियंस के रूप में पीपल का एक ग्रुप बैठा है, उनमें से कुछ लोग होंगे जो उसको पॉजिटिवली देखेंगे, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के आधार पर, या अपने कल्चरल बैकग्राउंड के आधार पर, या अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के आधार पर। वहीं कुछ लोग होंगे जिनको कि फीमेल का बाहर जाकर वर्क करना पसंद नहीं है, वो उनकी एजुकेशन के फेवर में नहीं हो, तो उनको वो चीज़ वहाँ पर नेगेटिव शो होगी, और वो उसको नेगेटिव क्यों देख रहे हैं, अपने कल्चरल बैकग्राउंड के आधार पर, या अपने लाइफ एक्सपीरियंस के आधार पर, या फिर उनके अंडरस्टैंडिंग लेवल के आधार पर। तो ये क्या है, ये है रिसेप्शन थ्योरी। रिसेप्शन थ्योरी को हिस्ट्री के अंदर भी या लैंडस्केप के एनालिसिस के अंदर भी प्रयोग किया जा रहा है या किया जाता है। ही डेवलप्ड थ्योरी ऑफ एनकोडिंग एंड डिकोडिंग आल्सो। स्टुअर्ट हॉल ने, अभी हमने पढ़ा रिसेप्शन थ्योरी के बारे में, इसके अलावा उन्होंने एनकोडिंग और डिकोडिंग की जो थ्योरी है उसको भी डेवलप किया। दिस थ्योरी फोकस ऑन द स्कोप फॉर नेगोशिएशन। ये थ्योरी बातचीत के का जो स्कोप है उस पर फोकस करती है, मतलब बातचीत पर आधारित है एनकोडिंग एंड डिकोडिंग। एनकोडिंग और डिकोडिंग होता क्या है? एनकोडिंग क्या है? जब हम किसी को एक मैसेज दे रहे हैं या जब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, तो जो स्पीकर है वो जब कुछ बोल रहा है तो वो क्या कर रहा है, शब्दों को बनाकर एक सेंटेंस बोल रहा है। तो वो जब शब्दों को बना रहा है, एक सेंटेंस को बना रहा है, बोल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, अपने मैसेज को कोड स्वरूप दे रहा है, यानी कि एनकोड कर रहा है। और जब ये एनकोडेड मैसेज लिसनर तक जाता है, मतलब जो लिसनर है इसको सुनता है, सुनने के बाद जब वो उसको समझता है, उसका एक मीनिंग निकालता है बोले गए शब्दों का, तो वो क्या कर रहा है, इसको खोल रहा है, जो मैसेज है उसको खोल कर समझ रहा है, दैट मीन्स उसको डिकोड कर रहा है। तो ये जो एनकोडिंग और डिकोडिंग की थ्योरी है ये नेगोशिएशन पर यानी बातचीत पर आधारित होती है, और किसके द्वारा डेवलप की गई है, स्टुअर्ट हॉल के द्वारा डेवलप की गई है। दिस मीन्स दैट ऑडियंस डज नॉट सिंपली पैसिवली एक्सेप्ट अ टेक्स्ट। रिसेप्शन थ्योरी की तरह ही इसमें भी हम ये मानते हैं, ये रिसेप्शन थ्योरी का ही एक फॉर्म की तरह से है, और यहाँ पर भी हम मानते हैं कि ऑडियंस जो है वो बिना किसी अपने एडिशन के एक टेक्स्ट को एक्सेप्ट नहीं कर लेती है। यहाँ पर राइटर ने, स्टुअर्ट हॉल ने सेमेटिक अप्रोच को यूज़ किया है, और ये जो सेमेटिक अप्रोच है ये उन्होंने रोला बार्थ और उम्बर्टो इको के मॉडल पर या वर्क्स पर आधारित होकर प्रयोग की है। दिस एसे टॉक्स अबाउट हाउ मीडिया मैसेजेस आर प्रोड्यूस्ड। ये एसे कौन सा एसे, एनकोडिंग एंड डिकोडिंग इन द टेलीविज़न डिस्कोर्स। ये एक एसे है जो कि स्टुअर्ट हॉल ने 1973 में पब्लिश किया था। ये जो एसे है ये बताता है हमें कि किस तरह से मैसेजेस बनाए जाते हैं, फिर सर्कुलेट किए जाते हैं, और कंज्यूम्ड यानी कि लिसनर के द्वारा समझे जाते हैं, प्रपोजिंग ए न्यू थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। और जब ऐसा किया जाता है तो एक कम्युनिकेशन की नई थ्योरी बन जाती है। ही प्रेजेंटेड हिज व्यूज़ ऑन एनकोडिंग एंड डिकोडिंग इन वेरियस पब्लिकेशन एट सेवरल लेक्चर्स। राइटर ने, स्टुअर्ट हॉल ने एनकोडिंग और डिकोडिंग के जो व्यूज़ हैं उसके, वो अलग अलग लेक्चर्स के अंदर और अलग अलग पब्लिकेशंस के अंदर प्रेजेंट किए हैं, और एनकोडिंग एंड डिकोडिंग इन द टेलीविज़न डिस्कोर्स उनमें से एक है जिसके अंदर उन्होंने हमें बताया कि मीडिया मैसेजेस किस तरह से प्रोड्यूस किए जाते हैं, किस तरह सर्कुलेट किए जाते हैं, और लिसनर के द्वारा किस तरह से कंज्यूम किए जाते हैं या ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, इन 1973 टेक्स्ट, उन्होंने 1973 में जो टेक्स्ट लिखे वो हॉल की रिसर्च में एक टर्निंग पॉइंट रहे, और हॉल ने स्ट्रक्चरलिज्म की तरफ एक रिसर्च की, या स्ट्रक्चरलिज्म पर एक रिसर्च की थी। हॉल आल्सो प्रेजेंटेड हिज एनकोडिंग एंड डिकोडिंग मॉडल इन, देखो 1973 में उन्होंने पहले एनकोडिंग एंड डिकोडिंग इन द टेलीविज़न डिस्कोर्स नाम के पेपर के अंदर अपने विचार, सॉरी लेक्चर के अंदर अपने जो विचार हैं वो प्रस्तुत किए। इसके बाद उन्होंने 1980 में एनकोडिंग एंड डिकोडिंग मॉडल इन एनकोडिंग एंड डिकोडिंग इन कल्चरल मीडिया एंड लैंग्वेज नाम के पेपर के अंदर अपने जो विचार थे एनकोडिंग और डिकोडिंग के बारे में वो प्रेजेंट किए। और
ये जो टाइम गैप था, पहला जो उन्होंने बताया हमें एनकोडिंग और डिकोडिंग में, वो 1973 में दिए गए लेक्चर में बताया। उसके बाद उन्होंने इस 1980 के अंदर पब्लिश हुए इस पेपर के बारे में हमें फिर से एनकोडिंग और डिकोडिंग के बारे में बताया। तो ये जो टाइम गैप था, ये क्या था, 7 ईयर्स का टाइम गैप था। और इस टाइम गैप को अलग अलग क्रिटिक्स के द्वारा हाईलाइट किया गया कि जो एक ही थियोरी है कम्युनिकेशन की, एनकोडिंग और डिकोडिंग, उसके बारे में राइटर ने पहले 1973 में एक्सप्लेन किया, फिर 1980 में एक्सप्लेन किया। तो ये टाइम गैप काफ़ी लंबा था और इस टाइम गैप को अलग अलग क्रिटिक्स के द्वारा क्या किया गया, हाईलाइट किया गया। राइटर कहता है इट इज़ कंसिडर्ड दैट मीनिंग ऑफ टेक्स्ट इज बेसिकली एक्सेप्टेड व्हेन ए ग्रुप ऑफ रीडर्स हैव शेयर्ड कल्चरल बैकग्राउंड और इंटरप्रेट द टेक्स्ट इन सिमिलर वेज। माना जाता है कि एक टेक्स्ट का जो बेसिक मीनिंग है, ठीक है, टेक्स्ट का एक बेसिक मीनिंग होता है और एक इनहेरेंट मीनिंग है। जो कि बेसिक मीनिंग क्या होता है, बेसिक मीनिंग है ऊपरी ऊपरी जो मीनिंग है, ठीक है, या फिर जो लिटरल मीनिंग है टेक्स्ट का, वो ग्रुप ऑफ रीडर्स के द्वारा एक्सेप्ट किया कर लिया जाता है जब कल्चरल बैकग्राउंड उनका सेम है या फिर किसी वजह से जो ग्रुप ऑफ रीडर्स हैं वो सिमिलर वे से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। लेकिन अगर रीडर और आर्टिस्ट या फिर राइटर, रीडर और राइटर या फिर जो ऑडियंस है और आर्टिस्ट हैं, उनके बीच में जो कल्चरल गैप है वो अलग है, यानी कि अगर वो अलग अलग कल्चर से हैं तो जो रीडर और राइटर है या फिर जो परफॉर्मर और ऑडियंस हैं, वो अपना जो इंटेंडेड मीनिंग है टेक्स्ट का या शो का, वो बिल्कुल सेम वे में नहीं ले पाते हैं जो कि राइटर देना चाहता है। मतलब राइटर का इंटेंडेड मीनिंग अलग होता है टेक्स्ट का, और जो रीडर है वो अलग मीनिंग समझ सकता है अगर उसका कल्चरल बैकग्राउंड अलग है तो, ठीक है। उम्बर्टो इको ने एक टर्म को बनाया, कौन सी टर्म है, एब्रेंट डिकोडिंग। और ये जो एब्रेंट डिकोडिंग है, इससे उम्बर्टो इको का मतलब है कि जब रीडर की इंटरप्रिटेशन आर्टिस्ट के इंटेंडेड मीनिंग से अलग है, ठीक है, मतलब राइटर कुछ बताना चाहता है लेकिन जो रीडर है वो कुछ और मीनिंग समझता है टेक्स्ट का, तो वहाँ पर एब्रेंट डिकोडिंग होती है, ठीक है। तो उसके लिए उम्बर्टो इको ने एक टर्म यूज़ की है, वो है एब्रेंट डिकोडिंग। द फर्स्ट वे ऑफ एनकोडिंग इज़ द डोमिनेंट कोड। अब राइटर ने एनकोडिंग के चार तरीके बताए हैं। पहला है डोमिनेंट कोड। इस डोमिनेंट कोड में जो एनकोडर है वो डिकोडर से, यानी कि जो राइटर है वो रीडर से एक्सपेक्ट करता है कि वो उसके द्वारा कही गई बातों को समझे और डिकोड करे। सेकंड वे होता है प्रोफेशनल कोड। और जो थर्ड वे होता है वो क्या होता है, वो होता है नेगोशिएटेड कोड। और फोर्थ वे होता है एनकोडिंग इज़ दी ओपोजिशनल कोड या फिर ग्लोबली कंट्री रिकॉर्ड। उन्होंने अपने ऐसे रिकंस्ट्रक्शन वर्क इमेजेस ऑफ पोस्ट वार ब्लैक सेटलमेंट में भी हमें कल्चरल स्टडीज़ के विषय में बहुत कुछ नया एक्सप्लेन किया है। अपने इस ऐसे में, इस वर्क में, रिकंस्ट्रक्शन वर्क इमेजेस ऑफ पोस्ट वार ब्लैक सेटलमेंट में, हॉल ने हमें बताया कि अगर हमें ब्लैक माइग्रेशन ब्रिटेन में, ब्लैक लोगों के माइग्रेशन और सेटलमेंट के बारे में, पोस्ट वार एरा में ब्रिटेन के अंदर ब्लैक लोगों का जो माइग्रेशन था या सेटलमेंट था, अगर उसके हिस्ट्री को रीड करना है तो हमें जो ऐतिहासिक संग्रह है, यानी कि जो ऐतिहासिक तथ्य हैं या प्रमाण हैं, उनका एक लिमिटेड एग्जामिनेशन करना चाहिए। और जो फोटोग्राफिक एविडेंसेस हैं उनका भी हमें एक सही ढंग से एग्जामिनेशन करना चाहिए, क्योंकि ये कई बार इनवेल्युएबल हो सकते हैं। तो इस तरह के जो मतलब हम कहेंगे फैक्ट्स हैं, वो रिकंस्ट्रक्शन वर्क इमेजेस ऑफ पोस्ट वार ब्लैक सेटलमेंट के अंदर हमें बताए गए हैं। मेनली हम कह सकते हैं कि इस वर्क के अंदर हमें पोस्ट वार ब्लैक सेटलमेंट इन ब्रिटेन आफ्टर पोस्ट वार एरा का वर्णन किया गया है। इसके बाद हम पढ़ते हैं कि स्टुअर्ट हॉल के कल्चरल आइडेंटिटीज़ पर और अफ्रीकन डायस्पोरा के ऊपर क्या व्यूज़ हैं। इन हिज इन्फ्लुएंशियल एसे 1996 में जो एसे उन्होंने लिखा है, जिसका नाम है कल्चरल आइडेंटिटी एंड डायस्पोरा, वहाँ पर हॉल ने टू डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी की प्रेजेंट की है। मतलब यहाँ हम पढ़ेंगे कि राइटर कल्चरल आइडेंटिटी के बारे में क्या कहता है और उनके अकॉर्डिंग अफ्रीकन डायस्पोरा क्या है,
और वो उन्हें किस तरह से वर्णित करते हैं, और इसको वर्णित करने के लिए, कल्चरल आइडेंटिटी को वर्णित करने के लिए या अफ्रीकन डायस्पोरा को वर्णित करने के लिए उन्होंने 1996 में एक ऐसे लिखा जिसका नाम है कल्चरल आइडेंटिटी एंड डायस्पोरा, जहाँ पर उन्होंने कल्चरल आइडेंटिटी की दो डेफिनेशंस दी हैं। पहली डेफिनेशन में कहा गया है कि कल्चरल आइडेंटिटी कलेक्टिव ट्रू सेल्फ का एक प्रकार है, मतलब अगर बहुत सारे लोगों के द्वारा एक कॉमन हिस्ट्री को या कॉमन एंसेस्ट्री मतलब उनके पूर्वज अगर एक ही वंश से थे, तो एक कॉमन हिस्ट्री को या कॉमन एंसेस्ट्री को शेयर किया जा रहा है, तो वो क्या है, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी है। इससे वो अपने पूर्वजों के ओरिजिन को ट्रैक कर सकते हैं या ट्रेस कर सकते हैं, और इस तरह से उनका जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है, उनके पूर्वजों का जो हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस है, वही उनका कल्चरल आइडेंटिटी का एक सत्य बन जाता है। फिर से हम कहेंगे कि पहले डेफिनेशन में स्टुअर्ट हॉल ने हमें बताया कि अगर कुछ लोगों के द्वारा, यानी कि लोगों के एक समूह के द्वारा एक कॉमन हिस्ट्री को शेयर किया जाता है और उनके पूर्वजों का जो इतिहास है वो सेम है, तो इससे क्या होता है, हम कहेंगे कि उनकी कल्चरल आइडेंटिटी भी सेम है, और इस कल्चरल आइडेंटिटी की वजह से वो अपने पूर्वजों के ओरिजिन को ट्रेस कर सकते हैं, उनके हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं, ट्रेस कर सकते हैं, और यही जो चीज़ें हैं ये उनका एक ट्रुथ बन जाता है, यही उनकी कल्चरल आइडेंटिटी बन जाती है। फिर वो कहता है कि जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो फिक्स नहीं है, ठीक है, दूसरी डेफिनेशन में ये बताया उन्होंने, ठीक है, कि कल्चरल आइडेंटिटी है जो वो फिक्स नहीं है, बल्कि कि वो डायनेमिक है, और वो डायनेमिक कैसे है, क्योंकि जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो इतिहास के दौरान ही बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन से लगातार उसके अंदर परिवर्तन आते रहे हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो बदलती रहती है। ये परिवर्तन किस वजह से आते हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल कंडीशंस की वजह से ये परिवर्तन आते रहते हैं, या दूसरी अन्य जो कंडीशंस हैं उनकी वजह से भी कल्चर्स के अंदर उनकी जो आइडेंटिटी है उसके अंदर काफ़ी परिवर्तन आ जाते हैं, माइग्रेशन भी इसका एक कारण बन जाती है कई बार। अफ्रीकन डायस्पोरा के बारे में बताते हुए राइटर कहता है कि जो ब्लैक पीपल हैं जो डायस्पोरा में रहते हैं, मतलब जो प्रवास कर चुके हैं, अपने जो ओरिजिन है वहाँ से, ओरिजिन प्लेस है जो उनका, वहाँ से दूर जा चुके हैं, ऐसे जो ब्लैक पीपल हैं वो कंस्टेंटली अपने आप को री इन्वेंट करते रहते हैं, उनके अंदर जो नई आइडेंटिटीज़ हैं या जो नई कल्चर्स हैं उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो उनके अंदर, उनकी कल्चर्स के अंदर मिश्रित होती रहती है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो उन अफ्रीकन कल्चर से या यूरोपियन कल्चर से या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की कल्चर से प्रभावित होते रहते हैं डेली। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो अफ्रीकन डायस्पोरा या जो ब्लैक डायस्पोरा है, यानी कि जो ब्लैक पीपल, ऐसे ब्लैक पीपल है जो अपने ओरिजिन प्लेस से कहीं और रह रहे हैं जाकर, तो उनको, उनके लिए कोई भी एक कल्चरल आइडेंटिटी ऐसी नहीं है जिसके अंदर की एक कल्चरल आइडेंटिटी के अंदर उनको फिट किया जा सके। क्यों नहीं उनको फिट किया जा सकता एक कल्चरल आइडेंटिटी के अंदर, क्योंकि उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो जो वहाँ जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ से प्रभावित होकर उनके अंदर, उनकी कल्चरल आइडेंटिटी के अंदर नए नए परिवर्तन आते जाते हैं, और उनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो एक मिक्स्ड आइडेंटिटी बन जाती है। तो इसीलिए ये एक वन साइज फिट कल्चरल आइडेंटिटी के अंदर नहीं बांधे जा सकते हैं, बल्कि इनकी जो कल्चरल आइडेंटिटी है वो डिफरेंट कल्चरल आइडेंटिटीज़ की एक मल्टीप्लिसिटी है, लेकिन दैट शेयर बोथ इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटीज़ एंड इंपॉर्टेंट डिफरेंसेज ऑल ऑफ विच शुड बी रिस्पेक्टेड, जिसके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटी है अपनी कल्चर से और बहुत सारे डिफरेंसेज भी हैं, लेकिन इनकी कल्चर मल्टीप्लिसिटी की होने के कारण इनके अंदर एक नई कल्चरल आइडेंटिटी का निर्माण हो जाता है जिसकी की रिस्पेक्ट की जानी चाहिए। तो ये सारे व्यूज़ थे स्टुअर्ट हॉल के। नेक्स्ट लेक्चर में हम रिचर्ड हॉगार्ट को कंप्लीट करेंगे।